मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी, मैं अन्नपूर्णा देवी ईश्वर की शपथ लेती हूँ। मैं संजय सेठ ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। इनको सांसद बनाने में और इनको जो मंत्री बनाया गया उसे भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जाता है इनका श्रेय। हम उनको भी धन्यवाद करते हैं कि हम जैसे रांची जिला के कार्यकर्ताओं को उत्साह वृद्धि करने में, हमें गौरवशाली महसूस करने में उनका बहुत बड़ा भूमिका रहा। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा है कि झारखंड में लूट खसोट की सरकार है, कार्यकर्ता भाजपा की रीढ़ है और उनके प्रयास से ही भाजपा राज्य में 55 सीटों पर आगे है। गांडी विधानसभा के कार्यकर्ता सम्मान कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष महादेव दुबे, सांसद प्रतिनिधि दिनेश यादव सहित कई लोग उपस्थित थे। सरकार ने वादा किया स्थानीय नीति बना देंगे, सरकार ने वादा किया हर थाना महिला थाना बनाने का कार्य किया। क्या यहाँ पर दुमका को उप बैठे हुए अंग वस्त्र है, सभी कार्यकर्ता हो चुका है, मंत्री जी का कई कार्यक्रम भी है, सरकारी कार्यक्रम भी है। जो झारखंड सरकार का हरा कार्ड चल रहा है उससे 6-6 महीने तक ग्रामीण, ये कौन सुनिश्चित करेगा? हेमंत सरन को करना चाहिए, अब तो हेमंत इस बैग भी बोल रहा है। हेमंत खुद का कार्यकर्ता मेरी बातों को, मैडम की बातों को, अपने नेताओं की बातों की मजबूत सरकार, इसका मतलब कि आपका जो विश्वास है जनता का झारखंड में बनाने चाह रहे हैं। मैं इसे उन्होंने कहा था कि लिपस्टिक और पाउडर लगाने में महिलाओं का ज्यादा समय, मंच से नीचे उतरकर सभी देवतुल्य कार्यकर्ता को सम्मानित कर रहे हैं। माननीय विधायक श्री अमित मंडल जी, आप सबों के बीच में पहुंचकर बूथ स्तर के कार्यकर्ता को जिन्होंने तुमको सम्मानित किया, और सभी लोग अपने स्थान पर बैठे रहेंगे, सभी लोग अपने नहीं सुनेगा, आप सुनाएंगे नहीं, अपने स्थान पे धरती माँ बच्चा बच्चा राम है, बच्चा बच्चा राम माता की वंदे। पार्टी के स्तर से पूरे प्रदेश के अंदर हर एक विधानसभा स्तर पर हमारे जो कार्यकर्ता है, कार्यकर्ता का जो बूथ स्तर के कार्यकर्ता, उनका अभिनंदन संकल्प सभा का आयोजन किया और उसी क्रम में आज गांडे विधानसभा में और इस विधानसभा में मुख्य वक्ता के रूप में हमारे गोड्डा के विधायक सम्मानित अमित मंडल जी भी हैं और पार्टी के सभी गांडे विधानसभा के कार्यकर्ता और हमारे विभिन्न जिला के सदस्य, तो इसके माध्यम से हमारे जो कार्यकर्ता जिन्होंने लगातार तन मन के साथ वो लगकर एक एक वोट को कलेक्ट करते हैं, वो बूथ में डलवाने का काम करते हैं, तो उनको उनका अभिनंदन भी पार्टी की ओर से हो रहा है और उसके साथ साथ आने वाले जो विधानसभा चुनाव है उसके लिए संकल्प भी लोगों ने लिया है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में ये जो भ्रष्ट और निकम्मी सरकार राज्य में है इस सरकार को हटाना है और भारतीय जनता पार्टी की यानी आम जन की सरकार की स्थापना करनी है, तो इसके लिए हमारे कार्यकर्ता तन मन से लगे हैं और आने वाले दिन में जब विधानसभा का चुनाव होगा, जिस तरह लोकसभा चुनाव में लगभग 52 से ज़्यादा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और NDA जीत हासिल की है, निश्चित रूप से आने वाले विधानसभा चुनाव में भी आंकड़ा यही रहेगा। इसके लिए हमारे कार्यकर्ता संकल्प ले रहे हैं और अभी से इस भ्रष्ट सरकार के जो कारनामे हैं उसको जन जन तक पहुंचाने का भी काम करेंगे और चुनाव में ज्यादा से ज्यादा अपने पक्ष में मतदान हो उसके लिए भी प्रयास करेंगे। पूरे प्रदेश में चल रहा है और मैं आज मेरा सौभाग्य है कि गांडे विधानसभा में आया हूँ
माननीय मंत्री जी का ये लोकसभा क्षेत्र भी है और जिस प्रकार से कार्यकर्ताओं का उत्साह है, हजार हजार संख्या में कार्यकर्ता यहाँ पहुँचे हैं और हमारे लिए भी खुशी और गर्व की बात है कि सभी को सम्मान करने का हमें मौका मिला है। और जो ये ठगबंधन की सरकार जो बनी है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के बदौलत, हम लोग चाहेंगे कि आने वाले दिन में पूरे झारखंड में डबल इंजन की सरकार हो और युवाओं को और खासकर यहाँ पर कार्यकर्ताओं जोश भरने के लिए भारतीय जनता पार्टी प्रतिबंध अपना जो है संगठन नीचे से ऊपर दुरुस्त कर रही है और उसी का ये परिणाम है कि आज ये सभा जो यहाँ पे आयोजन हुआ है वैसे लोगों को ध्यान में रखते हुए, वैसे हमारे सम्मानित कार्यकर्ताओं को ध्यान में रखते हुए पार्टी बड़ी है और पार्टी बड़ी है तो उसको समेट कर रखना भी सभी नेताओं का धर्म वही करना है। मिनी लंदन मैकलुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।